अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग नोट्स यहाँ पर रिलीज़ कर दी है, और काउंसलिंग आपकी जो होगी वो 30 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड किया, और काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था पहले कि अक्टूबर के पहले वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 30 अक्टूबर से पहले पहले आपकी क्लासेस वगैरह यहाँ पर लग जाएंगे। तो फाइनली वैसा ही, और मैंने आपको बोला था ऑनलाइन काउंसलिंग रहने वाली नर्सिंग की, वैसा ही हो गया यहाँ पर। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको देंगे वो एग्जैक्ट 100% होगी और सही इन्फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं होगी, कुछ भी फेक यहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो नोटिफिकेशन जो आई है इसमें काफ़ी सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमें टेलीग्राम पे आए, एक नहीं बहुत सारे मैसेजेस हमें आए यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे जो इसके साथ लिस्ट में जो नोट्स में यहाँ पे लिस्ट एक मेंशनड है। तो क्या इन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, क्या कुछ करना है आपने, और उसके साथ साथ काउंसलिंग से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रख लेना, क्या कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, जो भी अपडेट होगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो हम तक आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और इस चैनल पे आपको सारी एग्जैक्ट 110% इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल कोई फेक वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस काउंसलिंग नोटिफिकेशन को देखोगे नीचे आके, तो नीचे यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, इसमें कम से कम 250 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम यहाँ पे मेंशनड है। अब यहाँ पे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि क्या इन कैंडिडेट्स का यहाँ पे नाम है, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है या कुछ और है। इसमें देखिए, जिन कैंडिडेट्स का इसमें नाम है उनका क्या है, जब उन्होंने फॉर्म अपना फिलअप किया था उन्होंने कैटेगरी वहां पे कोई सबमिट कर दी थी। इसमें आप देखोगे सारे कैटेगरी, कोई ईडब्ल्यूएस वाला है, कोई जेकेपीएम, कोई आरबीए, कोई एससी एसटी वाला है, उन्होंने तो फॉर्म फिलअप करते समय कैटेगरी सिलेक्ट की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट सबमिट नहीं की थी जेके बोपी में, तो उसके बाद उनकी डेफिशिएंट रहेगी। उसके बाद नोट्स आई थी डेफिशिएंसी को क्लियर करने की, लेकिन नहीं की। तो फाइनली जब काउंसलिंग शेड्यूल आया तो इनको यहाँ पे एक नोट्स निकाला गया कि जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे नाम है इस लिस्ट में, वो अपनी कैटेगरी को जो है वो 27 सितंबर के दिन के 3 बजे से पहले पहले जेके बोपी ऑफिस चले जाएँ। अगर आप कश्मीर से हैं तो श्रीनगर आपको चले जाना है, अगर आप जम्मू से हैं या लद्दाख से हैं, आप जम्मू जाना है आपने, वहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को सबमिट कर देना है। इनकेस अगर आप फेल हो गए, यानी कि अगर आप सबमिट अपनी कैटेगरी को नहीं कर पाए, तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। सॉरी, सीट को तो कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा, मतलब कि आपकी कैटेगरी को जो है वो ओपन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी तक तो आपकी कोई कैटेगरी थी, रिजर्वड कैटेगरी थी, फॉर एग्जांपल किसी जेकेपीएम थी, किसी को आरबीए थी, किसी को एससी एसटी थी, किसी को ईडब्ल्यूएस थी, लेकिन अगर आप 27 से पहले पहले अपनी कैटेगरी सबमिट नहीं कर पाए तो आपकी कैटेगरी को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको ओपन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सीट आपकी कैंसिल नहीं होगी, वो मुझे बोलने में थोड़ा सा हो गया था, टंग स्लिप हो गया था, तो आपको जो है वो ओपन में रखा जाएगा और ओपन में ही आपकी फिर सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी है तो आप चले जाएं वहां पे और अपनी कैटेगरी को सबमिट कर देना। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को करना है जिनका यहाँ पे नाम है, 250 कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे अपना नाम चेक करके और कैटेगरी कौन से आपने रखी थी, डेफिशिएंट कौन है, वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके साथ साथ एक और डाउट है स्टूडेंट्स का, जिनका यहाँ पे मार्कशीट डेफिशिएंट थी, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था आपने 12th की मार्कशीट नहीं चढ़ाई वहाँ पे, और बोपी ऑफिस में भी आपने अपनी मार्कशीट सबमिट नहीं की है, तो उनको यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फिलहाल तो आपने अगर आपकी मार्कशीट 12th की पेंडिंग है तो आपने बोपी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा इंशाल्लाह आगे चल के, देन उस टाइम आपने क्या काम करना पड़ेगा, जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज होगा आपने उसमें एडमिशन करते टाइम अपनी ऑरिजिनल मार्कशीट भी वहाँ पर सबमिट कर देनी है। तो अभी आपको बोपी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसी टाइम अपनी 12th की मार्कशीट जो होगी उसको सबमिट कर देना है। अगर आप अपनी मार्कशीट को सबमिट नहीं कर पाए तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, इसलिए आप अपनी मार्कशीट को उस टाइम सबमिट कर देना। उसके साथ साथ यहां पे दूसरा है कि जो काउंसलिंग आपकी रहने वाली है वो सारी की सारी ऑनलाइन रहने वाली है, वो उसके बारे में मैं डिटेल में एक डेमो वीडियो शाम तक 3 बजे 4 बजे अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस समझाऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसकी भी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, 3 बजे तक वेट कर लेना। और उसके साथ साथ यहां पे जिन कैंडिडेट्स का पॉइंट 30 या 30 के वो है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को यहां पे फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करना है या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिनको उसके बिलो है शायद उनको यहां पे मौका नहीं मिलेगा, बाकी आप वेट कर लो। फिलहाल फर्स्ट राउंड का जो है 30 के प्लस जिनके कैंडिडेट्स के पॉइंट्स हैं वही यहां पे फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहां पे सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड भी होगा, मॉपअप राउंड भी होगा, जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ हो जाएगा, आप पेशेंस रखें। फिलहाल अभी फर्स्ट राउंड का टाइम टेबल आ गया है और कॉलेजेस आपके अलॉट जो होंगे वो 5 तारीख को आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी, 6 या 7 को आपके कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगी और 10 तक आपकी एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी, 15-20 तक आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और 25-30 तक आपकी क्लासेस लग जाएंगी। यानी कि ओवरऑल अक्टूबर का महीना आपका क्लासेस में एडमिशन में चला जाएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस लग जाएंगी और आपका टाइम टेबल जो होगा नर्सिंग का नवंबर से ही चलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फिलहाल की जो मेन डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की, एंड आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई मेन डाउट ऐसा होगा जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस, जो चॉइस फिलिंग आपकी प्रोसेस
प्रोसेस है, डेमो वीडियो, उसके बारे में मैंने डाटा कलेक्ट किया है, मैं 4 बजे वीडियो अपलोड करूंगा। उसके अलावा कोई भी डाउट हो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं।